बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि राष्ट्रपति की पात्रता पर सवाल उठाने वाले नेताओं को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पात्रता पर भी भरोसा नहीं है। अब तक तथाकथित महागठबंधन के नेता राहुल गांधी को पीएम पद के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे, लेकिन अब उनके स्टार प्रचारक और प्रत्याशी को राहुल की जगह अखिलेश और मायावती में पीएम मटेरियल नजर आ रहा है। त्रिवेदी ने साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट करे कि क्या अब उनकी पार्टी के नेताओं को राहुल गांधी में पीएम कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। और उधर त्रिवेदी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार को 4 माह हो गए, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने के अलावा कोई भी काम नहीं किया गया है। कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी महोदय ने मुलायम सिंह जी और मायावती जी के बारे में आज दोनों पहली बार 25 वर्ष के बाद एक साथ रैली करने जा रहे हैं। देखिए, देश के में परस्पर विरोधी दलों के बीच में कई बार गठबंधन हुआ है, धुर विरोधी विचारधाराओं के साथ गठबंधन हुआ है, हमने भी किया है, देश के कई राज्यों में किया है, परंतु यह गठबंधन देश में पहला ऐसा गठबंधन है जो उन नेताओं के बीच में हो रहा है जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध जान से मारने के मुकदमे दर्ज कराए।